दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कितनी बार लाइफ में हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ जाता है जो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होते। आप 100% सही हैं और आप अपनी बात को बड़ी शिद्दत से समझाना चाहते हैं, पर सामने वाला नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा। कई बार लाइफ में दोस्तों ऐसे लोगों से पल्ला पड़ जाता है। कई बार ऐसे लोग जिन्हें हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारी लाइफ में आ जाए, लेकिन वो नहीं आता। कोई ना कोई कारण ऐसा होता है कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आता है। कई बार कई लोगों से हमें एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये व्यक्ति हमें समझे कि यस, हमें ये क्वालिटी है जो आप चाहते हैं, लेकिन आप गलत पर्सन को चूज कर रहे हैं और इस जगह के लायक हम हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, सर्विस हो, पर सामने वाला व्यक्ति नहीं समझता है। ऐसे समय दोस्तों आप इस उपाय को करें, 10 मिनट में आपको इसका इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको उस व्यक्ति के नाम से भोजन करना है। क्या करना है? भोजन करना है। बहुत ही साधारण सा, सरल सा उपाय है, लेकिन जो मंत्र मैं आपको बता रही हूं, इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है ग्रहण के समय, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। यदि ग्रहण के समय तक का आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रदोष काल का इंतजार करें, प्रदोष वाले दिन इसे करें। प्रदोष वाले दिन तक का भी यदि आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आप अमावस्या की रात इस मंत्र को करें। इस मंत्र को दोस्तों आप लाल कलर की आसनी बिछा करके आपको बैठना है, लाल कलर के ही आपको वस्त्र पहनना है, और माला जो भी आपके पास हो, जिस किसी भी चीज की हो, चलेगा। आपको एक दिया जला देना है घी का, आपकी आपके आपका जो भी पूजा स्थान है वहां पर आप एक दिया जला दे बस, और आप इस मंत्र का जाप करने के लिए बैठ जाएं। उत्तर दिशा की तरफ आप अपना मुख रखें और माला लेकर के बैठ जाएं। मतलब आप दिया पूजा स्थान में जला दें और कहीं पर भी आप बैठ जाएं, नॉट नेसेसरी कि आप पूजा स्थान में ही बैठें। और आप 10,000 जाप इस मंत्र के कर लें। 10,000 ओम नमः फट विकट घोर रूपिणी स्वाहा। ओम नमो फट विकट घोर रूपिणी स्वाहा। ठीक है, मंत्र को आप अभी के अभी लिख लेना यदि आप इस क्रिया को करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में कहीं आप भूल जाएं और मंत्रों के जो शब्द है वो यहाँ वहाँ ना करें, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। 10,000 जाप कर लेने के बाद दोस्तों ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। आपको आसनी से उठ जाना है और प्रणाम कर लेना है कि बस अब ये मंत्र मुझे सिद्ध हो गया। जब भी मैं इन शब्दों को बोलूं और जिसके नाम का मैं अनाज खाऊं, वो व्यक्ति हमेशा मेरे इशारों पर नाचे। और दोस्तों आपको, आप जब भी किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं, तो आपको अपने किचन में जो खाना पकता है बहुत ही स्वच्छता पूर्वक उस दिन बनाना है। खाना बनाते समय कहीं से भी खाने को जूठा नहीं करना है। जैसे आप प्रसाद बनाते हैं भगवान का, बिल्कुल वैसे ही सिद्धत से आपको खाना बनाना है। और जो भी वशीकरण करना चाहता है वो एक प्लेट में खाना ले ले, जो भी खाना आपको खाना है वो खाना ले ले, और उसके 7 कौर बनाने हैं। 7 कौर, 7ों कौरों को आपको बना करके रख लेना है। जैसे आपने दाल चावल लिए हैं, तो आप दाल चावल के 7 कौर बना करके रख लें, और हर कौर के ऊपर आपको अपनी उंगली रखनी है। उंगली रख करके आपको इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को आप 7 बार बोलें और सामने वाले व्यक्ति का नाम बोलें और उस कौर को उठाकर खा लें। इसी तरीके से आपको 7ों कौर उठा करके खाने हैं। समझिए उस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में आपकी जबरदस्त असर होना शुरू हो जाएगी। ये शरीर दोस्तों अन्नमय है, अन्न जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है। मैं हमेशा बताती हूँ, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो इस पृथ्वी की ही देन है, इस मिट्टी की ही देन है। इसी से उत्पन्न हुआ आपका शरीर है, उसी से उत्पन्न होता है अनाज,
उसी से उत्पन्न होता है आपका शरीर और उसी से दूसरे व्यक्ति का भी शरीर बना हुआ है। तो सीधी सीधी असर शरीर से शरीर पर होती है। और जैसा जिसका शरीर, जैसे कि आपके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है तो आपका मन प्रफुल्लित नहीं रहेगा, आपका दिमाग, आपका ध्यान बार बार उसी दिशा में जाएगा जहां आपको दर्द है। वैसे ही आपका मन, आपका शरीर जब किसी चीज़ को कैच करता है, कोई पॉजिटिव चीज़ कहीं से मिलती है उसको ब्रह्मांड से, तो उस चीज़ की असर सीधे उसके मन पर होती है और उसके बाद वो कार्य करने के लिए तैयार होता है जो आप चाहते हैं। लेकिन क्रिया आपको बहुत ही पॉजिटिव होकर के करनी है। जब भी आप इस मंत्र का जाप करते हैं दोस्तों, उसके पहले हमेशा की तरह एक माला अपने गुरुदेव की, दूसरी कुलदेवी की, तीसरे अपने इष्ट देव की माला करें। उसके बाद आप इस मंत्र की 10,000 आप इस मंत्र का जाप कर लें, बराबर। इतना करने के बाद ये हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है। आपको इसे सिर्फ रिन्यू करना होता है जब भी आप इसको दूसरी बार रिपीट करते हैं। वैसे आपने एक बार इसको किया मतलब कि 3-4 बार तो आराम से काम करता है। उसके बाद यदि आपको फिर से करना है तो आपको इन मंत्रों को रिन्यू करना पड़ेगा। फिर से आप 10,000 का जाप करें, उसके बाद ये मंत्र रिन्यू हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल मंत्र है दोस्तों। यदि शक्य हो, आप इंतजार कर सकते हो, तो आप ग्रहण काल का अवश्य ही इंतजार करें। ग्रहण काल में यदि आपने एक बार भी इसको कर लिया तो हमेशा के लिए समझो सिद्ध है। नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अमावस्या की रात इसे सिद्ध कर लें, करके देखिए। और ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे। अवश्य करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।